नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं, और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा ATG के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना होने जा रही है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान मुद्रा के साथ होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कर्ज में डूबे हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तरक्की रुकी हुई हो, आर्थिक समस्या आ रही हो, हर क्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, धन का नुकसान हो रहा हो। ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यम गायत्री की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कलयुग में इस मंत्र का उपयोग क्यों लाभकारी माना जाता है। यम गायत्री की चर्चा करें कि सच्चाई होते हुए भी मनुष्य मौत से, मृत्यु से डरता आया है। उसे पता है कि एक न एक दिन तो मुझे ऊपर जाना है, और इसकी वजह से वो मृत्यु से उसे बहुत डर लगता है, जिसे हम काल कहते हैं। काल कभी भी किसी के लिए रुका नहीं है। सांसें चलती ही हमारी उम्र धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, मनुष्य की ये कोशिश होनी चाहिए कि जब तक सांसें चलें हम अच्छे कर्म करें, लोगों की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें, कल्याणकारी कार्य करें, समाज सेवा करें। तो ये विचार होते हुए भी मनुष्य ऐसा कर पाने में असमर्थ रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वार्थ में जीता है। वो सोचता है कि स्वार्थ के तहत मैं कितना अपने लिए कर सकूं। अपने लिए सोचना, अपने परिवार के लिए सोचना कभी भी बुरा नहीं है, समाज के लिए सोचना बहुत जरूरी है। ये तो सामान्य बात होगी, लेकिन कोई मनुष्य सालों साल बीमार पड़ा हुआ है तो उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसके पास धन हो सकता है लेकिन उस चीज का कोई उसे लाभ नहीं मिलता। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मनुष्य को यम गायत्री का मंत्र अवश्य जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है और आपको सफलता मिलती है। आपके मन में किसी भी प्रकार का डर है, डर किसी भी रूप में हो सकता है, धन खोने का डर हो सकता है, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचने का डर हो सकता है, हत्या का डर हो सकता है, कोई दुर्घटना का डर हो सकता है, शत्रु से डर हो सकता है, किसी भी तरह का डर हो, तो आपको यम गायत्री की शरण में जाना चाहिए। ये आपके मन से हर तरह के डर को दूर करता है और एक जबरदस्त आत्मविश्वास बढ़ाता है। यम गायत्री की खास बात यह मानी जाती है कि इसके जो उपासक होते हैं कि इनके जीवन में रिद्धि सिद्धि बहुत ज्यादा देखी गई है। इसके बाद भी ये लोगों की सेवा करते हैं, ये सामाजिक कार्यों में किसी को मदद करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो यम गायत्री की कृपा होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति सच्चाई को जानते हैं और इसकी वजह से यम गायत्री के जो उपासक होते हैं, कोई हादसा हो, कोई दुर्घटना हो, कोई एक्सीडेंट हो, इनसे उनका बचाव हमेशा होता रहता है और अपने जीवन का एक एक पल लोगों की सेवा में भी लगाते हैं और अपने परिवार की सुख शांति में भी लगाते हैं, यानी अपने जीवन का ये सदुपयोग करते हैं। लोग इनको जानते हैं, इनको पहचानते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं। इसलिए यम गायत्री के जो उपासक होते हैं, इनके पास हर तरह की सुख शांति देखी गई है, हर तरह की सुख समृद्धि इन उपासक के पास ही देखी गई है, क्योंकि यम गायत्री के जो उपासक होते हैं वो संयम जीवन जीते हैं और संयम जीवन जीने के साथ में लोगों की मदद भी करते हैं। तो यम गायत्री के जो उपासक हैं या फिर जो यम गायत्री की साधना करना चाहते हैं, वो इस साधना के द्वारा
अपने जीवन को एक संयमित जीवन बना सकते हैं और रिद्धि सिद्धि के मालिक भी बन सकते हैं। हर तरह का डर, हर तरह का भय, भय किसी भी किस्म का हो, उससे ये दूर रहते हैं, उससे इनको सुरक्षा मिलती है। चाहे वो तंत्र मंत्र का भय हो, शत्रु का भय हो, नजर का भय हो, किसी भी तरह का भय हो, उनसे यम गायत्री के उपासक सुरक्षित रहते हैं। आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें। किसी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर काला कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर आप बैठ जाएं। और उसके बाद विशिष्ट तरह की मुद्रा, ये तांत्रिक की मुद्रा मानी गई है, ये मुद्रा आप बना लें। इस तरीके से ये देखें, पांचों उंगलियों को जोड़ लेते हैं, ये मुद्रा आप बना लीजिए। ये मुद्रा बनाने के बाद आप आगे चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करिए, यानी जोर से सांस खींचिए, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें और फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार ये प्राणायाम करें। ये प्राणायाम करने के बाद यम गायत्री मंत्र, ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय च धीमहि तन्नो यमाय प्रचोदयात्। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय च धीमहि तन्नो यमाय प्रचोदयात्। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय च धीमहि तन्नो यमाय प्रचोदयात्। इस मंत्र का उपांश से जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। और इस मंत्र को किसी भी अमावस्या के दिन से, किसी भी शनिवार से या रवि पुष्य नक्षत्र से इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। और ये मंत्र जो आपको करना है, 5 माला 21 दिन, सिर्फ 5 माला आपको ये मुद्रा बना लेनी है। ये मुद्रा बना लें, 5 माला 21 दिन करें विशेष माला से। इसको रुद्राक्ष माला या ब्लैक हकीक माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यानी एक हाथ से मुद्रा बना लिया, दूसरे हाथ से रुद्राक्ष माला या काली हकीक माला से इस मंत्र का जाप करें। याद रखें, शनिवार ग्रहण या रवि पुष्य नक्षत्र से या अमावस्या से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र जो है आपको 5 माला 11 दिन तक करना है। ये मंत्र आपकी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करता है, आपके अंदर संयम पैदा होता है और किसी भी प्रकार के भय, अकाल मृत्यु से आपका बचाव होता है। आइए जानते हैं इसके कुछ विशेष प्रकार के नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।